आज मैं एक आपको इनोवेटिव प्रोसेस दिखा रहा हूँ दैट इज अ पॉम लीफ सीडिंग मशीन. सो यहाँ पे जो अनार है ठीक है उस अनार को हम दाने कैसे निकाल सकते हैं इस मशीन के द्वारा इस प्रोसेस में हमने इसको दिखाया है. दैट इज ओनली द प्रोटोटाइप मॉडल और इसमें हमने जो भी चीज़ें हमने इसमें ऐड की है मैं आपको उसको संक्षिप्त में बताने जा रहा हूँ ठीक है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हॉपर है. इस हॉपर में हम जो भी अनार है हम उसे फिट करेंगे ठीक है. देन दिस इज द न्यूमैटिक. ये न्यूमैटिक प्रेशर से उसको प्रेस करेगा. यहाँ पे हम जैसे इस पर धार वाली चीज़ कोई भी रख सकते हैं सो दैट ये इजीली कट हो सके. ब्लड कट होने के बाद उसके दो स्लाइस साइजेस होंगे दो पार्ट में वो आगे जाके कन्वेयर बेल्ट से ये जो सेकंड पोर्शन है यहाँ पे भी हमने न्यूमैटिक यूज किया है उसको प्रेस करेगा. और प्रेस करने के बाद हम नीचे कंटेनर जो रहेगा उसमें हम उसको जो अनार के जो दाने हैं हम इजीली इफिशेंटली निकाल सकते हैं. ओके सो दिस इज ओनली द प्रोटोटाइप मॉडल ऑफ अनार से हम दाने कैसे निकाल सकते हैं. इसको एक्चुअल बनाने के लिए काफ़ी रिसर्च लगेंगे और काफ़ी टाइम भी लगेगा ठीक है. दिस इज ओनली द कंसेप्ट एंड प्रोजेक्ट. सो हम इसको अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं. दिस इज द और मैं आपको एक और चीज़ बताने जा रहा हूँ. दिस इज द ऑटोमेशन पार्ट. दिस इज इसी से सभी क्वेश्चन कंट्रोल हो गए ठीक है. तो जैसे कि मैंने ऑन किया तो ये कन्वेयर बेल्ट जो है ये रोटेशन में आ गया ठीक है. तो जैसे यहाँ पे कोई भी हम चीज अनार यहाँ पे डाल रहे हैं उसको प्रेस होने के बाद कट होगा वो स्लाइस होने के बाद आगे बढ़ेगा और फिर सेकंड इसमें ये जो न्यूमैटिक है उसको प्रेस करेगा. प्रेस होने के बाद नीचे जो कंटेनर उसमें जो अनार के दाने हैं वो गिरेंगे. तो दिस इज ओनली द कंसेप्ट एंड ऑटोमेशन. हाँ जैसे कि हम यहाँ पे जैसे न्यूमैटिक यूज कर रहे हैं और इस न्यूमैटिक को हम कॉम्प्रेसर मशीन के द्वारा हम इसको ऑपरेट कर सकते हैं. इसको करीब 10 बार का प्रेशर दीजिए तो एट फर्स्ट पोजिशन में तो वो आप 10 बार का प्रेशर इसके कॉम्प्रेसर मशीन से देना ये दोनों न्यूमैटिक ऑपरेट हो जाएंगे. ये आपको इसी सप्लाई में आपको लगाना है वो इसी सप्लाई मतलब बैटरी से ऑपरेट होगा और डीनो बोर्ड और ये जो यहाँ पर हमने हाइड्रो पीसी बोर्ड लगाई है दैट इज आल्सो ऑपरेटेड फ्रॉम जो बैटरी है उसके साथ.